Good morning, student. Welcome to TSN School. Children, today we will start vertical subtraction of two digit. Okay, बच्चों आज हम टू डिजिट वाले वर्टिकल सब्ट्रैक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीखेंगे आज हम, ठीक है ना। कल हमने थ्री डिजिट वाले किए थे और उससे पहले हमने वन डिजिट के किए थे बच्चों, ये वन डिजिट में किए थे और उसके बाद थ्री डिजिट वाले कल हमने किए और अब हम, ठीक है, और अब हम टू डिजिट वाले इस साइड, इसमें राइट साइड भी टू नंबर लिखे और लेफ्ट साइड भी टू नंबर लिखे, ठीक है। लेफ्ट साइड वन और टू नंबर दिए और राइट साइड पे भी वन और टू नंबर समेत दिए। तो ये टू डिजिट के सब्ट्रैक्शन है बच्चों, माइनस है। अब ये माइनस हम कैसे करते हैं बच्चों, ये आज मैं आपको सिखाती हूँ, ये आपके लिए न्यू चीज़ है बच्चों। सब्ट्रैक्शन जैसे हमने सिंगल वाले किए वो ईजी थे, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, बिल्कुल सेम वैसे ही होंगे लेकिन थोड़ा सा समझ के करना है। ओके, सबसे पहले तो हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ ब्लू बॉक्स पे। ओके, आप भी यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए इन पूरे थ्री ब्लॉक्स पे, इन पे, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों वैसे ही सेम, पहले राइट साइड से हम सब्ट्रैक्शन माइनस करेंगे और फिर राइट साइड वाले करेंगे। ओके, लेफ्ट साइड वाले करेंगे, सॉरी। तो पहले राइट साइड वाले करेंगे, तो इसमें देखेंगे बच्चों ऊपर लिखा है टू और नीचे लिखा है जीरो, इसका मतलब टू माइनस जीरो, माइनस का साइन है ना बच्चों, माइनस सब्ट्रैक्शन का मतलब आपको माइनस करना है ना। तो टू माइनस जीरो, तो इसका मीनिंग ये हो गया बच्चों कि टू में से हमको जीरो माइनस करना है। अब जीरो मीन्स तो आपको मैं हर बार सिखा चुकी हूँ कि जीरो मीन्स होता है कुछ नहीं, है ना, कुछ भी नहीं। तो जीरो में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है। ओके, सॉरी, टू में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, ठीक है ना। टू में से आपको जीरो में से कुछ भी माइनस नहीं करना है। जैसे आपने टू लाइन ड्रॉ करी, जो ऊपर वाले नंबर होते हैं ना बच्चों वही लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बताई थी ना मैंने बात आपको पहले भी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों कि जो ऊपर नंबर दिया होता है उतनी ही लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, और जो नीचे नंबर होते हैं उतनी लाइन कट करते हैं, किस में, माइनस में। अब देखिए ऊपर नंबर जैसे वन टू दिया, ओके, अब इसमें से जीरो माइनस करना है, मतलब आपको कुछ भी काटना नहीं है, कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो बच्चों जब कुछ भी माइनस नहीं करना है तो टू एज इट इज़ वन टू काउंट करके हम फिर से यहाँ लिख देंगे, टू माइनस जीरो इक्वल टू टू। ओके, अब यहाँ देखिए बच्चों इस साइड वाले, अब लेफ्ट साइड वाले करेंगे, ऊपर नंबर दिया टू वन टू, नीचे दिया माइनस वन, क्या आपको माइनस करना है, वन करना है। ओके, तो वन क्रॉस कीजिए, काउंट करो कितने बचे, वन, और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है। इट मीन्स 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। अब बच्चों इसको हम ऐसे, टू डिजिट है ना बच्चों, तो इसको एक साथ बोलेंगे, अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि टू टू क्या होता है बच्चों, 22 होता है ना। हम जब काउंटिंग करते हैं, नंबर्स लर्न करते हैं, तो आपको पता है ना बच्चों टू टू क्या होता है, 22। तो मतलब हमने 22 में से 10 को माइनस किया, 10 क्या होता है, 10 होता है, और 22 क्या होता है, 22। तो अब मैं इसको पूरा एक साथ समझाती हूँ कि 22 माइनस 10 इज इक्वल टू 12। 22 में से जब हमने 10 डिजिट को माइनस की तो हमारे पास क्या बचता है, 12 बचता है। ओके, टू डिजिट वाले नंबर जो होते हैं ना बच्चों वो इस तरह से किए जाते हैं, ठीक है ना, ना यहाँ पे 2 है, दिस साइड 2 है। फिर से देखिए ये अंडरलाइन करते हैं। अब यहाँ बच्चों दिया है 0 माइनस 0, ये माइनस का साइन है ना बच्चों, ये माइनस का साइन है, इसका मतलब ये है कि चारों नंबर्स के लिए यूज़ आता है। ओके, इन सारे फोर डिजिट के लिए यूज़ आएगा माइनस। तो हम नीचे वाले जो नंबर होंगे उसको कट करते जाएंगे, नीचे वाले माइनस को करेंगे। ओके, अब यहाँ दिया 0 माइनस 0, मतलब आपको किसी में से कुछ भी माइनस नहीं करना है। तो आप 0 को एज इट इज़ लिख लीजिए, यहाँ पे 0 कोई लाइन नहीं होती बच्चों। अब यहाँ दिया 3, 1 2 3, ऊपर नंबर क्या है 3, इसमें से कितना माइनस करना है आपको, 1, ये 1 लिखा है ना, माइनस 1 मतलब नीचे वाला नंबर माइनस करना है, ये 1 कर दिया हमने, क्रॉस कर दिया, काउंट करो 1 2, कितने बचे, 1 2, हमने यहाँ लिख दिया 2। अब यहाँ क्या लगाएंगे हम, इज इक्वल टू, ठीक है। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, पूरा डिजिट बोल के बताऊँ मैं, 30 क्या होता है, 30, 10 क्या होता है, 10, ओके, और 20 20। अब इसको कैसे रीड आउट करेंगे, कैसे हम वर्ड्स, वर्ड प्रॉब्लम जो करते हैं बच्चों, वर्ड्स में कैसे बोलेंगे ने कि 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20, मतलब 30 में से जब हमने 10 को माइनस किया तो क्या बचता है बच्चों, 20, फाइन। नेक्स्ट, 1 माइनस 0, ये माइनस है बच्चों, दोनों नीचे के लिए यूज़ में आ रहा है। तो 1 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, जब कुछ भी नहीं करना तो 1 एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे ऐसे कैसे। अब यहाँ है 5, 1 2 3 4 5, माइनस 3, 1 2 3, काउंट करो 1 2, और यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू, ठीक है। फिर से अंडरलाइन करेंगे। नेक्स्ट,
ये सिक्स नंबर है, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 1 2 काउंट करो 1 2 3 4 यहाँ हमने लिख दिया 4, अब ये दिए यहाँ पे 4 1 2 3 4। बच्चों इस साइड वाले नंबर की लाइंस इस साइड करना, ओके। जो इस साइड नंबर दिए राइट साइड उनकी लाइंस यहाँ इस साइड राइट साइड ही होगी, और जो लेफ्ट साइड नंबर दिया है उसकी लाइंस कहाँ ड्रॉ करेंगे आप, लेफ्ट साइड ही, ठीक है। अलग से करना, इसके साथ मिक्स नहीं करना, दोनों लाइंस को एक साथ नहीं करना है, ओके। लेफ्ट साइड वाले नंबर की लाइंस इस तरफ कर दी, लेफ्ट साइड, ओके। अब माइनस वन करो, 1 काउंट करो, 1 2 3 यहाँ बचा 3 इज इक्वल टू, इट मीन्स 46 माइनस 12 इज इक्वल टू 34, फाइन। नेक्स्ट 1 2 3 माइनस 2 करेंगे, 1 2 काउंट कीजिए 1, यहाँ पे 8 दिया, 8 की लाइंस यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। लेफ्ट साइड वाले नंबर की लाइन हम कहाँ कर रहे हैं बच्चों, लेफ्ट साइड, माइनस 1 कीजिए 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ गया 7 इज इक्वल टू, ओके। फिर से आगे देखिए 1 2 3 4, 4 माइनस करेंगे 1 2 3 4, कुछ बचा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होता है बच्चों ना, 4 में से 4 को माइनस कर दिया तो 0 बचा। अब 5, 1 2 3 4 5 माइनस 1 कीजिए, काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4, यहाँ इज इक्वल टू, ठीक है। इज इक्वल टू का साइन जरूर लगाना है बच्चों आपको सबके आगे। अब यहाँ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 कीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 5 करेंगे 1 2 3 4 5 काउंट करो 1 2 3, और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू, इट मीन्स 88 माइनस 51 इज इक्वल टू 37, ओके। आपको नंबर्स बोलने आने चाहिए बच्चों, है ना, नंबर्स जो काउंटिंग आप करते हैं तो आपको रीड आउट करनी भी आनी चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए कि 88 क्या होता है बच्चों, 88, 51 क्या होता है, 51, और 37, 37। नेक्स्ट 0 माइनस 0 इट मीन्स 0, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 5 करो 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ आ गया 4, और इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, 9 0 90 5 0 50, और ये 4 0 40 बन गया, है ना। तो इसको हम कैसे वर्ड्स में बोलेंगे बच्चों, 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40, फाइन। नेक्स्ट 8 माइनस 0 इट मीन्स 8 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, आप 8 एज इट इज़ लिख लोगे, यहाँ पे 8 ऐसे कैसे लिख लोगे। नेक्स्ट है 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 कीजिए 1 2 3 4 5 काउंट करेंगे, और यहाँ इज इक्वल टू लगाएंगे। नेक्स्ट 7, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 2 1 2 1 2 3 4 5, क्या बचा यहाँ 5। अब नेक्स्ट 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर इस साइड दिया बच्चों, तो इसके लाइंस भी इस साइड लिखेंगे, इसमें से माइनस 4 करेंगे 1 2 3 4 काउंट कीजिए 1 2, और यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर है बच्चों, अंडरलाइन कीजिए पहले, 9 माइनस 0, 9 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो आप 9 ऐसे कैसे लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है 7, 7 लाइन इस तरफ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 3 कीजिए 1 2 3 काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 4 इज इक्वल टू। नेक्स्ट 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, आप 0 ही लिखेंगे। नेक्स्ट है 7, 7 की लाइन इस तरफ ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 2 कीजिए 1 2 काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 5 माइनस 5, 1 2 3 4 5 माइनस 5 करना है, मतलब आपको 5 लाइंस पूरी कट करनी है, ओके। 1 2 3 4 5, 5 में से आपने 5 माइनस कर दिया, क्या बचा है 0। 6, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 कीजिए 1 2 1 2 3 4 काउंट करके क्या आया 4 इज इक्वल टू। नेक्स्ट बच्चों 5, 1 2 3 4 5 माइनस 1 कीजिए 1 2 3 4 बचा यहाँ। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 करेंगे 1 1 2 3 4 5 6 7 इज इक्वल टू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसको करेंगे लास्ट नंबर 5, 1 2 3 4 5, 4 माइनस कीजिए 1 2 3 4, कितना बचा 1, यहाँ पे 4 दिया है, इस साइड लाइन करेंगे 1 2 3 4 माइनस 3 करो 1 2 3, क्या बचा 1, यहाँ इज इक्वल टू,
इट मीन्स 45 माइनस 34 इज इक्वल टू 11। ओके चलिए नेक्स्ट पेज बच्चों, नेक्स्ट पेज में भी आपको सेम ऐसे ही करना है। ये भी वर्टिकल सब्ट्रैक्शन है आपके और टू डिजिट में है, ठीक है। तो इन्हें भी हम करेंगे सेम ऐसे ही, राइट साइड वाले नंबर की लाइन यहाँ करेंगे राइट साइड, और लेफ्ट वाले नंबर की लाइन लेफ्ट साइड ड्रॉ करेंगे। ओके फिर नीचे वाले नंबर्स को कट करते जाएंगे और काउंट करके जो बचता है वो लिखेंगे, ठीक है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। 2 1 2 माइनस 1 करेंगे, 1 कर दिया, क्या बचा 1, यहाँ 1 लिख दिया। अब 1 माइनस 1 मतलब 1 में से आपको ये 1 है लाइन, इसमें आपको 1 क्रॉस करनी है, तो क्या बचा बच्चों 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा 0, और यहाँ इज इक्वल टू का साइन। नेक्स्ट अंडरलाइन करिए, 3 1 2 3 इसमें से माइनस 2 करेंगे, 1 2 क्या बचा 1, यहाँ पे दिया 3, तो यहाँ भी 3 की इस 3 की लाइन्स यहाँ इस साइड करेंगे, 1 2 3 माइनस 2 1 2 क्या बचा 1 इज इक्वल टू, इट मीन्स 33 माइनस 22 इज इक्वल टू 11। फाइन चलिए नेक्स्ट, यहाँ दिया 5 माइनस 0 बच्चों मतलब 5 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, तो आप 5 एज इट इज़ यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ है 5, 1 2 3 4 5 माइनस 3 करो, अब कितने बचे 2, और यहाँ लगा दो इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 6 है बच्चों, ये ऊपर वाला नंबर 6 है, 6 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 करो, काउंट करो, 1 2 3 4। अब यहाँ दिया है बच्चों 1 माइनस 1 मतलब 1 में से आपको 1 लाइन क्रॉस करनी है, ये 1 लाइन है, इसमें से नीचे 1 को क्रॉस कर दो, तो क्या बचा 0, और यहाँ आ जाएगा इज इक्वल टू। नेक्स्ट 1 2 3 2 माइनस कीजिए, 1 बचा, यहाँ पे 4, 1 2 3 4 4 ही माइनस करनी है, 1 2 3 4 पूरी कंप्लीट माइनस हो गई, तो क्या बचा 0, और यहाँ इज इक्वल टू। नेक्स्ट 4 1 2 3 4 4 माइनस 4 मतलब 0, ओके। और 5 1 2 3 4 5 5 माइनस 1 कीजिए, 1 2 3 4 क्या बचा 4 इज इक्वल टू, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 8, हमने अंडरलाइन की, उसके बाद 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लाइन ड्रॉ कर ली, इसमें से कितनी माइनस करनी है आपको 1, यहाँ पे 1 लिखा है ना, 1 क्रॉस कर दी, क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो 8 दिया बच्चों उसकी लाइन भी यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस 1 करेंगे, कितनी बचेगी काउंट करके 7, यहाँ इज इक्वल टू। ओके यहाँ लाइन कीजिए 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, बच्चों यहाँ 0 ही लिख देंगे, कुछ भी नहीं। और 6 1 2 3 4 5 6 इसमें से 2 माइनस करेंगे, कितने बचते हैं बच्चों 4, काउंट करना अच्छे से बच्चों, एक एक लाइंस को आप पॉइंट आउट करते हुए काउंट करना, एक एक पे पेंसिल रख के फिर काउंट करना है ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, है ना, कि आप जब भी लाइंस ड्रॉ करते हैं और जब लाइन को कट करके काउंट करते हैं फिर से, तो आपको सारे समय आपको इन सब समय पे आपको लाइंस को पेंसिल से ऐसे पेंसिल रख रख के लाइन एक एक लाइन पे आपको पेंसिल रख के काउंट करनी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 8 माइनस 0 मतलब 8 में से कुछ भी माइनस नहीं करना, हमें 8 लिख लेंगे, 3 लाइन करो, 1 2 3 माइनस 1 करेंगे, कितनी बची 1 2, इस तरह से काउंट करना बच्चों पेंसिल को एक एक को रख के, है ना, एक एक लाइन पे पॉइंट आउट करना, 2 बच गए, यहाँ इज इक्वल टू। नेक्स्ट नंबर दिया बच्चों आपको 57, 57 क्या होता है 57, चलो पहले 7 में से माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 यहाँ बचा 6, अब यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 माइनस 4 करेंगे, 1 2 3 4 काउंट करो कितनी बच रही है 1 इज इक्वल टू। नेक्स्ट है बच्चों 9 माइनस 0 मतलब आप 9 लिख लेंगे, 7 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 3 करेंगे, 1 2 3 काउंट करो, 1 2 3 4 यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ आप इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट 0 माइनस 0 यहाँ पे 0 लिख देना, 2 माइनस 2 मतलब आप 2 में से जो 2 लाइन करेंगे ना बच्चों उसमें से वापस 2 को कट करेंगे, तो जब 2 में से 2 को कट कर देंगे तो क्या बचेगा 0, कुछ भी नहीं, और यहाँ इक्वल टू, इट मीन्स 20 माइनस 20 इक्वल टू 0। 0 क्या होता है बच्चों 20 बोलते हैं ना, 20 में से जब 20 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा कुछ भी नहीं 0 बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट 5 1 2 3 4 5 माइनस 4 1 2 3 4 ऐसे एक एक पे पेंसिल रख के कट करना और फिर एक एक को काउंट करना। नेक्स्ट 1 2 3 4 2 माइनस करो, 1 2 1 2 कितनी बची 2।
यहाँ इज इक्वल टू का साइन करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों 5 1 2 3 4 5 माइनस वन करो, 1 2 3 4 काउंट करा एक एक को, तो 4 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस वन करो तो कितनी बचती है, 1 2 3 4 5 6 ओके, यहाँ 6 लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन छोटी ड्रॉ करना बच्चों और अच्छे से काउंट करना, 1 2 3 4 5 4 माइनस कीजिए 1 बचता है, यहाँ 9 लाइन करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन 9 लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब हम माइनस 5 करेंगे उसमें से, 1 2 3 4 5 काउंट करो, 1 2 3 4 क्या बच रहा है, 4 इसी कर लो। ठीक है, तो ये 2 पेज आपको मैंने 2 डिजिट वाले वर्टिकल सबट्रैक्शन करवाए हैं बच्चों, तो आप इसको बहुत केयरफुली बहुत समझ के अच्छे से अपने पेरेंट्स की हेल्प लेके ओके आप अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करो इसमें, और नोटबुक में भी कर सकते हैं, और रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस कीजिए बार बार में। फाइन, थैंक यू।